नमस्कार, मैं सीए मनमोहन जिंदल, आईबीबीआई रजिस्टर्ड वैल्यूअर इन सिक्योरिटी एंड फाइनेंशियल एसेट्स फ्रॉम मुंबई। सो वी शैल डिस्कस टुडे मनी एंड इट्स फंक्शंस। दिस इज ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ द वैल्यूएशन एग्जाम एंड क्वेश्चंस मे कम ऑन दिस टॉपिक आल्सो। सो वन शुड बी अवेयर अबाउट दैट, वन शुड हैव ए फ्लेयर ऑन दैट, एंड वन शुड बी इन ए पोजिशन टू टिक दी राइट आंसर वेन ए क्वेश्चन कम्स इन दी एग्जाम। टू नो दैट नाउ इट इज फीस इंक्रीज मल्टीफोल्ड, इट इज 5,900 टू पे फॉर वन अटेम्प्ट ऑफ दी वेल्युएशन एग्जाम, एंड समटाइम्स यू मिस दी बस बाई 1%, 0.5%। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी ए रेगुलर रीडर ऑन दी टर्म्स एंड कंडीशंस विच आर आस्क्ड इन दी वैल्यूएशन। सो वी शैल डिस्कस टुडे व्हाट इज मनी। मनी इज ए जेनेरिक टर्म विच डिनोट्स प्राइमरली दी करेंसी इन वो इन एनी पर्टिकुलर कंट्री। कंट्री में जो भी करेंसी चल रही है जनरली हम उसको मनी कह देते हैं। हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड इंडिकेट्स दैट मैन फाउंड इट नेसेसरी टू यूज मनी एट एन अर्ली स्टेज ऑफ मैन्स डेवलपमेंट बिकॉज ऑफ द डिफिकल्टीज एंड इनकन्वीनियंस ऑफ एक्सचेंज ऑफ डायरेक्ट पार्ट। हमें सबको पता है कि पहले बार्टर सिस्टम चला करता था, गेहूं के बदले चावल, चावल के बदले सब्जी और अदर थिंग्स, बट इट वॉज वेरी डीप। सो कई बार देखने में भी आया है और बुक्स से भी पढ़ने को मिलता है कि समय समय पर डिफरेंट टाइप की करेंसीज को चलाया, कभी सोने की, कभी तांबे की, कभी चमड़े की, बट ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज चलाया गया और यह बहुत अर्ली स्टेज में ही फाइंड आउट कर। मनी इज इन डिमांड बिकॉज इट इज यूजफुल एंड डज अवे विद द डिफिकल्टीज ऑफ बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम के अंदर बहुत डिफिकल्टीज थी, सो उसको मनी के इन्वेंशन में सॉल्व कर। सिंस मनी रिप्रेजेंट जनरलाइज्ड परचेजिंग पावर, इट हैज बीन द ऑब्जेक्ट ऑफ द मैन डिजायर थ्रू एजेस। सो इसकी मनी को होल्ड करने की डिजायर बहुत सदियों से चली आ रही है, बिकॉज इसके द्वारा हम कुछ भी खरीद सकते हैं, कोई भी सामान खरीद सकते हैं, और इट कंसिस्ट ऑफ परचेजिंग पावर। प्रोफेसर वालकर डिफाइंस द मनी एज मनी इज व्हाट मनी डज। मनी क्या है? जो मनी कर सकती है, मतलब खरीद सकती है, चीजें खरीद सकती है, जो मनी कर सकती है वह मनी है। रॉबर्टसन डिफाइंस इट एज ए कॉमोडिटी विच इज यूज टू डिनोट एनीथिंग विच इज वाइडली एक्सेप्टेड ए पेमेंट ऑफ गुड्स और इन डिस्चार्ज ऑफ अदर बिजनेस ऑब्लिगेशंस। तो बिजनेस ऑब्लिगेशंस में आप क्या एक्सेप्ट करने को तैयार हैं, गुड्स की पेमेंट के लिए क्या लेने को तैयार हैं, अगर ये जनरल एक्सेप्टेंस है इन दी सोसाइटी, वह मनी के रूप में स्थापित हो जाती है। सो इससे ये पता चलता है कि इसकी एक जनरल एक्सेप्टेबिलिटी है। इकोनॉमिस्ट स्ट्रेस दैट ए थिंग विच कुड बी कंसिडर्ड एज मनी शुड बी सच दैट इट शुड कमांड जनरल एक्सेप्टेबिलिटी। मनी वह है जिसकी जनरल एक्सेप्टेबिलिटी अक्रॉस दी कंट्री और अक्रॉस दी वर्ल्ड भी आप कह सकते हैं, क्योंकि वहां पर चाहे एक्सचेंज होती है एक करेंसी से दूसरी करेंसी में, परंतु अक्रॉस दी वर्ल्ड रुपए, जैसे हमारी इंडिया की करेंसी रुपए है, तो रुपए लेने को सब लोग तैयार होने चाहिए। विदाउट जनरल एक्सेप्टेबिलिटी देयर कुड बी नो फ्री एंड स्मूथ एक्सचेंज ऑफ ट्रांजेक्शन। यदि इसकी जनरल एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है तो फ्री और स्मूथ एक्सचेंज नहीं हो सकता। कोई कहेगा मैं लेता हूँ, कोई कहेगा मैं नहीं लेता हूँ, आपके पास मनी है बट कोई लेने को तैयार नहीं है, तो दैट इज नॉट गुड। क्राउटर होल्ड्स एनीथिंग दैट इज जनरली एक्सेप्टेंस एज ए मीन्स ऑफ एक्सचेंज एंड दैट एट द सेम टाइम एक्ट्स एज ए मेजर एंड स्टोर ऑफ वैल्यू इज मनी। तो इन्होंने तीन फंक्शंस बताए हैं कि जनरल एक्सेप्टेबिलिटी, मीडियम ऑफ एक्सचेंज होना चाहिए, मेजर ऑफ वैल्यू होना चाहिए और स्टोर ऑफ वैल्यू। सो इनकी डेफिनेशंस के मुताबिक ये तीन कैरेक्टरिस्टिक्स मनी की निकल करके आते हैं।
परंतु इसके अलावा भी मनी की और सारी करेक्टरिस्टिक्स हैं, परंतु उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज द स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। यदि मुझे 2 साल के बाद कोई पेमेंट करना है तो उसका स्टैंडर्ड भी मनी में स्थापित किया जा सकता है। इसलिए इसकी चार प्राइम मनी चार करेक्टरिस्टिक्स प्राइमरली हैं। नंबर 1 मीडियम, नंबर 2 मेजर, नंबर 3 स्टैंडर्ड एंड दी स्टोर। सो व्हाट इज मीडियम ऑफ एक्सचेंज? मीडियम ऑफ एक्सचेंज इज दैट क्वालिटी ऑफ जनरल एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ मनी फैसिलिटेट एक्सचेंज इफ इट वर्क्स एज ए मीडियम। यदि मनी को हमें मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पर स्थापित करना है तो इसकी अक्रॉस द कंट्री जनरल एक्सेप्टेबिलिटी होनी चाहिए। जैसे हमारे हिंदुस्तान के अंदर है 2000 के, 500 के, 200 के, 100 के, 20 के, 10 के, 5 के, 2 के, 1 के नोट है, वो अक्रॉस द कंट्री एक्सेप्टेबल है। चाहे वो कागज का टुकड़ा ही है परंतु उसके अंदर एक ट्रस्ट है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा दिया गया है और इट हैज ए वैल्यू। पीपल वांट गुड्स एंड सर्विसेज फॉर वेरियस पर्पस। अब पीपल तो चाहेंगे ही, उनको कभी कोई सब्जी खरीदनी है, चावल खरीदना है, फर्नीचर खरीदना है, मकान खरीदना है, गाड़ी खरीदनी है, होटल में खाना खाना है। देयर लॉट ऑफ गुड्स, देयर लॉट ऑफ वांट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द वेरियस पर्पस। दे कैन ऑब्टेन देम इन एक्सचेंज ऑफ मनी। पैसा दो, सामान लो। अंडर द बार्टर सिस्टम गुड्स वर एक्सचेंज अगेंस्ट गुड्स। अब हम सबको पता है बार्टर सिस्टम क्या है। चावल के बदले गेहूं, गेहूं के बदले धान, धान के बदले पशु, पशु के बदले मकान, ये चलता था। हाउएवर इट इज वेरी इनकन्वीनियंट टू पीपल फ्रॉम वेरियस एंगल सच एज लैक ऑफ डबल इंसिडेंस ऑफ वांट्स, डिफिकल्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, स्टोरिंग ऑफ वैल्यू एटसेट्रा। अब किसी के पास 100 क्विंटल गेहूं है, उसको 10 चीजें खरीदने, कहाँ कहाँ देगा? कोई एक्सेप्ट करता है, कोई नहीं करता। परंतु मनी ने ये सब कुछ बदल दिया और मनी ने ये सब डिफिकल्टीज दूर कर दी। दैट्स व्हाई नाउ विद द यूज ऑफ मनी बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स हैज बिकम इजी एंड पॉसिबल। दूसरा है मेजरमेंट ऑफ वैल्यू। हमारी मेजरमेंट ऑफ वैल्यू है, वैल्यू का मेजरमेंट हो जाता है, ये चीज इतने रुपए की है, ये चीज इतने रुपए की है या इतने डॉलर की है। The another important functions of money is the measurement of value of various goods and services which are exchanged. Money is the common measure of value. This has facilitated the determination of rate of exchange between money on one side and goods and services on the other side. एक मकान है 30 लाख रुपए का मिलेगा, सब्जी 25 रुपए किलो मिलेगी, धान 150 रुपए किलो मिलेगा, तेल 300 रुपए किलो मिलेगा, पेट्रोल 134 रुपए लीटर मिलेगा। इस टाइप से उसको मनी के अगेंस्ट में ईच एंड एवरी आइटम इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। सो इट इज वेरी इजी, गिव मनी टेक गुड्स और सर्विसेज। नाउ ए डेज प्राइसेस ऑफ वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी विच इज एन इंडिकेशन ऑफ द फैक्ट दैट मनी हैज बीन एक्सेप्टेड एज ए कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सो इट इज लार्जली एक्सेप्टेड एंड अक्रॉस द कंट्री और आई शुड से अक्रॉस द वर्ल्ड। इट ऑल्सो वर्क एज ए स्टोर ऑफ वैल्यू। स्टोर ऑफ वैल्यू मनी रिजर्व सर्व्स एज ए स्टोर ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मैन वांट्स टू प्रोवाइड फॉर द फ्यूचर आउट ऑफ रिवार्ड्स ही रिसीव्स फॉर हिज लेबर। एक आदमी ने लेबर का काम किया, शाम को उसको पैसा मिलना चाहिए। ही वांट्स टू कीप सम पार्ट ऑफ हिज अर्निंग फॉर टुमारो। आज उसने 100 रुपए कमाए, 20 रुपए को वह प्रिजर्व करता है, तो वो 20 रुपए कल भी उतने ही काम के रहेंगे। दिस वुड पॉसिबल ओनली इफ मीन्स थ्रू विच सेविंग इज टू बी मेड इज नॉन पेरिशेबल एंड नॉट ओनली फिजिकल बट ऑल्सो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द फ्यूचर वैल्यू। सो जो 20 रुपए उसने फिजिकल बचाए हैं वो नॉन पेरिशेबल है और फ्यूचर में भी उनकी महत्ता बनी हुई है। मनी हैज बिकम ए कन्वीनियंट मीन्स थ्रू विच सेविंग कैन बी डन इजली। दिस फैसिलिटेट्स कैपिटल फॉर्मेशन टू विच इज एसेंशियल फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंपनी। इसी स्टोर ऑफ वैल्यू के कारण ही बैंक अस्तित्व में आए, बैंकों के अंदर इतना डिपॉजिट है, बैंक लोगों को लोन देने में सक्षम हुए और देश की तरक्की में सहायक बन रहे हैं। दस मनी प्लेज ए पैरामाउंट रोल इन कैपिटल फॉर्मेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ स्टोरेज ऑफ सेविंग्स। अनदर पॉइंट इज दैट वी हैव डिस्कस्ड स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। मुझे 100 रुपए 2 साल के बाद पे करने हैं,
तो ये स्टैंडर्ड हो गया, वी हैव कंटेक्टेड टुडे, आई शेल पे रुपीज 100 आफ्टर 2 ईयर्स, सो 2 साल के बाद भी वो 100 ही रहेंगे और 100 की वैल्यू बनी रहेगी। पेमेंट विच आर मेड एट सम फ्यूचर डेट्स आर मेड इन मनी सिंस द वैल्यू ऑफ मनी रिमेन स्टेबल ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, मनी की वैल्यू स्टेबल रहती है। लैंडिंग इन्वॉल्व फ्यूचर पेमेंट, अब हमने किसी को लैंड करा या हमने लैंडिंग लिया तो ये फ्यूचर पेमेंट ही रहेगा। एक मकान 30 साल का लोन मिलता है, गाड़ी का 15 साल का लोन मिलता है, 7-7 साल के लोन मिलते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर लोन और भी लंबे होते हैं, 20-20 30-30 50-50 साल के होते हैं। सो उनकी एक स्टैंडर्ड डेफर्ड पेमेंट की ये इतने पीरियड में खत्म हो जाएगा बनी रहती है। डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स हैज आल्सो नेसेसिएटेड फ्यूचर पेमेंट्स, दस डेफर्ड पेमेंट्स हैव बिकम ए नॉर्मल फीचर ऑफ द मॉडर्न कमर्शियल वर्ल्ड। सिंस मनी रिमेन्स स्टेबल इन वैल्यू एंड इज नॉन पेरिशेबल अलॉन्ग विद इट्स जनरल एक्सेप्टेबिलिटी, डेफर्ड पेमेंट बिकम्स पॉसिबल। सो नॉन पेरिशेबल है, स्टेबल इन वैल्यू है और जनरल एक्सेप्टेबिलिटी, इसलिए डेफर्ड पेमेंट को करने में कोई बुरा। एक आदमी तैयार हो जाता है, ठीक है हम 2 साल बाद लेंगे पैसा या हम 2 साल बाद देंगे पैसा। Thus the money acts as a standard of deferred payment and thereby it has made a great contribution not only to modern commercial world but to transaction promoting human civilization. ये human civilization को promote करने में भी काफी मददगार रहा है और रहेगा। So बहुत बहुत धन्यवाद। Read carefully. Question may come from in between and concept should be clear. Concept should be clear. So it is very easy to pass this exam. बहुत बहुत धन्यवाद।